Hey guys, welcome back to my digital family. तो शुरू करते हैं अपना नया ब्लॉग और देखते हैं आज कौन कौन सा केस आएगा। जी हाँ, पुचू भी आज का ब्लॉग स्टार्ट करने वाला है, तो शुरू करते हैं आप देरी ना करते हुए अपना ब्लॉग और देखते हैं आज कौन कौन सा केस आता है। ठीक है, गरम और मसाले वाली चीज नहीं खानी है आपको, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना? लगा? हाँ, तो लगा दो। एक्चुअली मैं पहले क्रीम लगाता था, एले का क्रीम रहता, बट अभी मैसेजिन से लगाता हूँ। एक्चुअली इससे बहुत अच्छे से पेन नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, अभी हमने एले लगा दिया, अब इसके बाद पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, तो इसीलिए मैं एले ही लगाता हूँ, तो वो भी सिरिंज से, क्योंकि क्रीम अगर मैं लगाता हूँ तो उससे थोड़ा बहुत पेन को होता है पेशेंट को, उससे क्या है अपनी फिनिशिंग में, क्वालिटी में, ये सब चीज़ों में फ़र्क आएगा, क्योंकि पेशेंट भी डरता है। देखिए कितना खूबसूरती से उसको हमने निकाला है, बट क्या है बीएड के जो बीएड है इस वजह से आपको थोड़ा सा टीयर दिख नहीं रहा होगा, बट आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, आपने खुद देखा होगा डिफरेंस कितना प्यारा है। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है हमारे लिए आई के पास, क्योंकि आई के पास थोड़ा सा अगर दर्द नहीं भी होता तब भी ब्लिंक करती है अगर हम कुछ चीज़ करते हैं, जैसे कि पेशेंट करेगा, बट हम उसमें भी अपना बेस्ट देंगे। और चलिए देखते हैं, हम इसमें कई सारे हैं, उनकी आंखों के पास काफ़ी सारे इंजेक्शन वो भी है, वॉर्ड्स भी हैं, तो अब देखते हैं उसको कैसे हम निकालते हैं और देखते हैं पेशेंट को दर्द होता है कि नहीं, मेन पेन होता है कि नहीं, ये हमको देखना है। और ये मेरा लिए चैलेंजिंग पार्ट भी रहता है, क्योंकि पेशेंट से और मेरी इसी बात पर हुई थी कि शायद दर्द हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस चीज़ को लेकर हम रहते हैं। देखिए आप, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है पेशेंट को, जिसकी बिल्कुल पेशेंट चूँ चा भी, क्योंकि आँख के पास होता है, ब्लिंक करता है, देखिए, लेकिन आप पेशेंट को देखिए कितना रिलैक्स है, कितना वो कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसको अपना वॉर्ड्स निकलवाने में, वो भी आँख के पास, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए इनको, पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। उससे भी चैलेंजिंग पार्ट अब देखिए एक और है, पेशेंट चाह रहा था कि उसकी एक और आई लिड है ना, लोअर आई लिड, उसके पास भी है,
तो उसको भी हम रिमूव करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कितना क्लोज हम जा सकते हैं। शायद ही इससे ज़्यादा क्लोज और जा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आपके आँख में ही है पूरा। तो आप देखिएगा कि हम उसको भी निकालेंगे और आपको रिजल्ट दिखाएंगे 100%, और उसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। अब देखो दोनों ही क्लियर हो गए, ये भी, ये वाला और ये हमारा, दोनों क्लियर हो गए। ये हम और क्लोज आते हैं आईलिड के, और एकदम मार्जिन पे है, आप देखिए। ये हम अपने आप को और चैलेंजिंग करते हैं। अब ये देखिए कितना क्लोज है आईलिड के लोअर, तो आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई क्लोज हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसको बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा हमको, और प्लस आपको ये भी ध्यान देना है इंजेक्शन जो भी लगाए वो बहुत ही एकदम सुपरफिशियली होने चाहिए स्किन में, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर है तो आपको आईज में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप प्लीज़ अगर कोई पेशेंट देख रहा है जो जिसको करवाना है, तो वो प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ही जाए, बिकॉज उस अभी अगर आप इतने क्लोज हैं आई के और उसको निकलवाते हैं तो कुछ हो जाए तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर रहे आप प्रोफेशनल, जो आपका काम उसने देखा है तो उससे ही आपने करवाइए, उसके पेशेंट को आपने देखा है तो फिनिशिंग देखिए तभी आप करवाइए। तो प्लीज़ मेक श्योर हो जाइए आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तो चलिए हम देखते हैं इसका हम जो रिज़ल्ट, कुछ खा लेते हैं पहले, और डोसा खाने का मन था तो डोसा खा लिए, बच्चों के साथ थोड़ा जुड़ा कर काम से थोड़ा ब्रेक लेके हम खा पी के और देन हम आगे शूट करेंगे अपने वीडियो को आगे ले जाएंगे। अनदर केस ऑफ द फेस PRP, और अब चलिए स्टार्ट करते हैं इनका फेस पर। और जिन किसी भी या डॉक्टर हैं या कोई पेशेंट है कि वो देख रहा है कि हमको रिज़ल्ट देखना है इसका, तो मेरा इसका फर्स्ट वीडियो देखिए, ये इनका तीसरी या चौथी सीटिंग है। आप इनका क्लियरली बिग डिफरेंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप इनका फेस का पहले का फर्स्ट सीटिंग का देखिए और अभी का देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये हम जो लगा रहे हैं ये पूरा LA क्रीम लगा रहे हैं, हमारे पास टॉपिकल है और क्रीम में भी है, फॉर्म में है, और हम लिक्विड फॉर्म में भी डालते हैं। तो हमारा ये LA क्रीम है, इनको लगा के हमने छोड़ दिया है, इसके बाद हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। जो हमने LA क्रीम लगाया है इसको पूरा अच्छी तरीके से वाइप कर लें, पूरा साफ़ कर लें उसको, पूरे चेहरे से बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत केयरफुली से पूरे डर्ट को आप क्लीन कर लें, मेक श्योर, क्योंकि अच्छे से निकालना, उसके बाद ही आपको काम शुरू करना है इसमें। इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हैं किसी पेशेंट, पहले अपने पे यूज़ करिए, देन आप पेशेंट को चेक कराइए और देन उसके बाद उसको चेक करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को हर्ट नहीं होना चाहिए। प्लीज़ पहले अपने ऊपर हैंड पे चेक करिए, मुझे पेन नहीं हो रहा, फिर पेशेंट से बोलिए और देन आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अब जो मैं ये सिरिंज डाल रहा हूँ ये क्या है, ये हल्का सा जो जहाँ जहाँ पे इनको पोर्स इकट्ठे हैं वहाँ पे मैं हल्का हल्का आपको इनको जो हमने PRP प्लाज्मा इंजेक्ट है हल्का हल्का इंजेक्ट कर रहे हैं। देन हम अब स्टार्ट करेंगे अपना डर्मा पेन से, अच्छे से इसको पेशेंट को पूछते रहना उसको दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पेशेंट को हर्ट ना हो, नहीं तो आपका ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि पेशेंट को कंफर्टेबल पहले तो कराइए, सब कुछ कंफर्टेबल होना चाहिए, तो इसी वजह से उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट आगे करिए। इसको हमको किस मोशन में करना, सर्कुलर मोशन में, देखिए आप ध्यान से देखिए।
सर्कुलर मोशन में एकदम हल्का हल्का। देखिए आप जहाँ बोन एरिया है वहाँ पे आप स्लो हो जाइए थोड़ा, उसके बाद सर्कुलर मोशन में, क्योंकि जितने अच्छा रहे सर्कुलर मोशन में ही बेनिफिट रहता है। जब हम काफ़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आ जाती है, जिसको सबसे फेमस, इसको जैसे मैंने बोला क्या फेस पीआरपी, और इसका सेकंड नाम आप डालेंगे यूट्यूब कहीं पे भी आपने वैम्पायर फेस, क्योंकि एक थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है जब हम इस चीज़ को पूरा रेगुलर करते रहते हैं, क्योंकि अब 30 मिनट तक आप समझ रहे हैं, 30 मिनट मतलब इन द सेंस कि हम पूरा ओवरऑल मिला के जो इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं वो 30 मिनट हो ही जाता है। तो आप किसी चीज़ पे, पर्टिकुलरली चीज़ पे आप इतना सारी चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक रेड पेन पूरे चेहरे पे रहेगा अगले दिन हल्का सा। अब पेशेंट को आप जब आप करिए और उसके बाद आप पेशेंट को बोलिए या जो भी करवाने की सोच रहे हैं उसके बाद आप आइस क्यूब पूरा लगा लें, थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा और आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, और थोड़ा अगले दिन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हल्का सा स्वेलिंग है, हल्का सा पूरे शरीर, बट आप यकीन करें उसके नेक्स्ट डे बिल्कुल आसानी से बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ये जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं ये है प्लाज्मा, जो हमने ब्लड से सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा को निकाला है उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको ब्लॉक को भरना है। जो ब्लड ब्लड हो जाता है ना इसको, अगर ये ट्रीटमेंट को ना आप वैम्पायर फेस के नाम से भी जानते हैं। हाँ, देखा है ना, बहुत स्केरी होता है, थोड़ा सा रेडनेस हो जाता है। का वीडियो बस इतना ही, अगर कुछ भी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।